ट्रॉली बैग पर निढाल होकर सोया बच्चा और सड़क पर उसे खींचते हुए चल रही मां। ये लॉकडाउन में अपने घरों को पैदल लौटते प्रवासी मजदूरों की दिल तोड़ने वाली एक और तस्वीर भर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है उस व्यवस्था पर जो देश के मजदूरों को, गरीबों को ये भरोसा नहीं दिला पा रही कि उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। अपने माता पिता के साथ पैदल चलते चलते जब मासूम के पैर जवाब दे गए तो मां ने उसे यूं ही ट्रॉली बैग पर सुला दिया। और खुद उसे खींचते हुए चलने लगी ताकि बच्चे की नींद भी हो जाए और ये पैदल सफर भी ना थमे। कलेजा चीरने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की हैं और जानते हैं ये मजदूर पैदल कहां से चले आ रहे हैं? पंजाब से। और इन्हें जाना कहां है? उत्तर प्रदेश के झांसी। पंजाब से आगरा होते हुए झांसी तक सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर ये लोग पैदल ही निकल पड़े। इस वीडियो को कैमरे में कैद करने वाले पत्रकार ने इन्हें रोककर सलाह दी कि वे यूं ही पैदल ना जाएं, प्रशासन ने इनके लिए इंतजाम किए हैं। तो देखिए माँ ने क्या जवाब दिया। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ, तो पैदल कहाँ जाओगे? कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? लो, बोलो, कहाँ कर रहे हैं? इतना कहने पर भी मजदूर नहीं रुके, वो चलते रहे। ट्रॉली बैग पर सोए बच्चे को लेकर माँ आगे बढ़ती गई। साफ है कि इन मजदूरों को सरकार और प्रशासन के किसी बात पर एतबार नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मजदूरों के साथ हुए ट्रेन हादसे और कई अन्य घटनाओं के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों से अपील की थी कि वे सड़कों के रास्ते पैदल अपने घरों की ओर पलायन ना करें, सरकार सबके लिए इंतजाम कर रही है। लेकिन व्यवस्था पर भरोसा खो चुके मजदूरों के पैर नहीं थमे। लॉकडाउन लागू होने के 50 दिन बाद जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी तो उसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा गया था। हजारों मजदूरों को उनके घर भेजा भी गया। लगा कि शायद अब सड़कों पर ऐसी तस्वीरें दिखनी बंद हो जाएंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का कि सरकार और प्रशासन की इस विफलता का खामियाजा इन छोटे मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।